इस गरीब लड़के ने $2 में सड़क किनारे सोने की चम्मच खरीदी। बुढ़िया ने कहा, ये चम्मच तुम्हारी किस्मत बदल देगी। वो गरीब लड़के को बुढ़िया की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना आजमा कर देखा जाए। अब लड़का वो चम्मच अपने क्लासमेट के घर ले गया। सभी क्लासमेट्स पार्टी कर रहे थे। उसके आ जाने से वो सब हैरान हो गए। एक अमीर लड़के ने कहा, मैंने ही उसे बुलाया था, मैंने उसे एक काम करने को कहा था। फिर उस अमीर लड़के ने उससे सामान ले लिया। उसने काम के बदले में उसे कुछ डॉलर देकर भेज दिया। उस अमीर लड़के के अपमान के सामने गरीब लड़का बहुत शर्मिंदा हो गया था। वो पलट कर जाने ही वाला था कि तभी प्लूटोक्रेट ने उसे रोक लिया। प्लूटोक्रेट ने कहा, तुम अतिथि हो, पहले खाना खा लो फिर जाना। और इस तरह पहली बार गरीब लड़का प्लूटोक्रेट की मेज पर बैठा। शानदार खाने और मजबूत सोने की टेबल वेयर देखकर उसने अपनी किस्मत बदलने की कसम खाई। अब जैसे ही काम वाली बाई डिशेज बांट रही थी, अमीर जादे ने उसे टोक दिया। उसने कहा कि वो गरीब है, वो सोने की कटलरी के लायक नहीं है, इसलिए उसे डिस्पोजेबल चीजें देनी चाहिए। अमीर जादे की बेइज्जती पर भी उसे गुस्सा नहीं आया। लड़के ने सोने की चम्मच इस्तेमाल की जिसे वो अभी खरीद कर लाया था। उसने बताया कि ये एक खानदानी विरासत है और वो इसे हमेशा बाहर खाने पर साथ ले जाता है। ये बात अमीर जादे के मुंह पर करारा तमाचा थी। फिर सबने खाना शुरू किया। उसे पता भी नहीं चला कि चम्मच सोने की तरह चमक रहा था। साथ ही साथ यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बूढ़ी औरत ने अपने जादुई गोले में देख लिया। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसे यकीन था कि वो गरीब लड़का उसके लिए वापस जरूर आया।